ये देखिए हमारी जबरदस्त किस्म की फूली फूली सी पस्ता सी पूरियां रेडी हो गई हैं। मेहंदी बेगम साहब, गोल गोल सी खस्ता सी बेहतरीन सी आपको पुड़िया मैं खिला रहा हूँ। आप ये समझना कि मैं आपको बाहर को 5 स्टार नाश्ता करा रहा हूँ, यही समझ के खा रहा हूँ। इंतजार करना, बहुत शुक्रिया यार, बहुत मजेदार बनी है, बहुत जबरदस्त। तो रबड़ की तरह नहीं है और ये देखिए कितनी खस्ता ये बनकर तैयार हुई है, ये चेक करें। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिरा और बच्चे भी खैरियत के साथ हैं और आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं एक बहुत ही मजे की रेसिपी जो है नाश्ते की, और नाश्ता भी ऐसा हो कि पता लग जाए कि यार नाश्ता किया है। तो नाश्ते में सबसे पहले जो मेरी फेवरेट रेसिपी है ना, जो मुझे पसंद है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है पूड़ियां चने। तो पूड़ियां और चने हों और वो भी हो बड़े बाजारी स्टाइल के अंदर, तो वो अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम नाश्ता लेकर आते हैं और पूड़ियाँ चने का जब घर पहुंचते हैं तो वो रबड़ बन जाती हैं और मज़ा नहीं आता। और पूड़ियाँ चने वहीं पे बैठ के खाने का मज़ा आता है, लेकिन वहाँ पे हमारे इलाके में ऐसा माहौल नहीं होता कि हम वहाँ पे फैमिली के साथ जाके बैठ सकें। तो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो उनके लिए घर में ही ऐसी रेसिपी बनाई जाए कि आप अपने घर में फूली फूली सी नरम और खस्ता और बहुत ही मज़ेदार किस्म की पूड़ियां भी बनाएं और बाजारी स्टाइल के चने भी आपको बनाना सिखाएंगे। इसके साथ चने पूड़ी के साथ अगर मीठा ना हो और वो भी हलवा ना हो तो मजा नहीं आता। तो तीनों चीजें आज की इस रेसिपी में आपने एंड तक जरूर वॉच करना है और अपने किचन में इसको जरूर ट्राई करना है और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी ये पूड़ियां चने का नाश्ता आपने जब बनाया तो कैसा बना। हम जो बना रहे हैं वो तो आपको दिखाते हैं, चलते हैं जी अपनी रेसिपी की। सबसे पहले इसके लिए हलवा रेडी करने लगे हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/2 कप मेल्ट किया हुआ घी। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इलायची ले ली है और इसको मैंने सेंटर से काट लिया है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि जो ये इलायची है इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने सूजी ले ली है 3/4 कप, यानी कि 1 कप से थोड़ी सी कम ये सूजी है, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब इसको डालकर हमने अच्छी तरह से भून लेना है और फ्लेम जो है मैंने इस टाइम मीडियम टू लो कर दी है ताकि एकदम से ये जल ना जाए। अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है ताकि जो सूजी है इसका कच्चापन चला जाए और इसके अंदर प्यारी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए। इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस इसको हमने हल्का सा भूनना है। तो यहाँ पर देखें 3 से 4 मिनट हुए हैं और ये देखिए सूजी का कलर हल्का सा गोल्डन होना स्टार्ट हुआ है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप, यहाँ पर मैंने चीनी ली है, ये इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी और इसको हमने मिक्स करना है ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। और इस टाइम पर जो फ्लेम है वो हाई है, हाई फ्लेम पर हमने इसको बॉयल आने देना है ताकि जो चीनी है उसका जो दाना है वो सॉफ्ट हो जाए। इसके अंदर मैं 1-2 चुटकी फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये टोटल ऑप्शनल है। इसको हमने मिक्स कर देना है जब तक इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाता। यहाँ देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसके अंदर बॉयल आना भी स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइम पर हमने इसकी फ्लेम को लो कर देना है, दम वाली फ्लेम हमने कर देनी है और इसको हमने कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम पर पकते हुए और ये देखें इसकी कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी है। तो बस इस टाइम पर हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है क्योंकि मुझे अगर इसको पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हमने ये हमारा रेडी हो गया है। यार हीरा ये तो बहुत झटपट तैयार हो जाता है। अब हमने इसको साथ ही सर्व कर देना है, हम सर्विंग डिश में डाल देंगे गरम गरम और ये बहुत ही मज़ेदार झटपट सा हलवा रेडी है। इस पे गार्निशिंग भी करनी है? नहीं, हमारा जबरदस्त सा हलवा भी रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने 4 कप ले लिए हैं उबले हुए चने, ये देखें कितना ये सॉफ्ट चना है। आप चाहें तो आप फ्रेश चने लेके भी उसको बॉईल कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने फ्रीज किए हुए थे। इससे ये होता है कि बहुत ही आसानी हो जाती है, बहुत ही जल्दी से चने तैयार हो जाते हैं।
तो इस टिक्के के मेयरिंग कप से मैंने ये चार भरकर ले ली है। उबले हुए चने हैं, बहुत अच्छी तरह से ये बॉयल्ड है। अब हम इनको कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम डाल देंगे चने, साथ ही इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड करना है, उतना पानी ऐड करेंगे जिसमें जो ये चने हैं डूब जाएं और जितनी हमें इसकी ग्रेवी चाहिए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन क्यूब, यहाँ पर मैंने ले ली है। इससे इसके अंदर टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये बाजारी चनों की तरह तैयार होंगे। अब मैं इसको कवर करके रखने लगी हूँ तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक इसके अंदर बॉयल भी आ जाएगा और चने भी हमारे थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम चने के लिए इसका तड़का रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। आप चाहें तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ साबुत गर्म मसाले। तो यहाँ पर मैंने एक तेज पत्ता लिया है, एक बड़ी इलायची ले ली है, 4 लौंग ले ली है, 1 बादियान का फूल ले लिया है और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है। ये सभी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इनको हमने फ्राई करना है ताकि इनका जो फ्लेवर है, खुशबू है, सारा इसके अंदर आ सके। और साथ साथ देखें इसके अंदर भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इसको भी हमने पकने देना है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर स्पेयर जीरा ऐड करेंगे, साथ ही इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो कर दी है ताकि एकदम से ये गले नहीं। और साथ ही यहाँ पर मैंने ले ली है 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप क्रश करके भी डाल सकते हैं। इसको भी डालकर हमने हल्का सा फ्राई करना है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी ताकि जो ये हमारा लहसुन अदरक है ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसका कलर हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने क्यूब डाली है चिकन क्यूब, उसमें भी नमक होता है तो इसलिए नमक का थोड़ा ख्याल रखेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये इसको खूबसूरत कलर देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च डालेंगे, इससे भी टेस्ट बहुत मजे का आता है। और अच्छी तरह से हमने इस सारे मसाले को भून लेना है। तो ये देखिए ये हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है। इस टाइम पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और अब हमने इसको डालना है चनों में। तो चनों को पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं चनों को बॉईल होते हुए और चने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हमने ये तड़का डाल देना है इनके अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और यहाँ पर इसकी जो ये ग्रेवी है ये आपको पतली लग रही है, चने अलग हैं, पानी अलग है, तो इसका भी एक तरीका है जिससे ये बिल्कुल बेहतरीन बाजार जैसे बनेंगे। जैसे वो थिक थिक होते हैं सेम वैसे ही ये बनकर तैयार होंगे। तो वो सीक्रेट मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप में थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह अगर आपके पास ना हो तो आप गंदुम वाला आटा भी ले सकते हैं या फाइन आटा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर इसको ऐड कर देना है और साथ ही हम इसको मिक्स कर लेंगे। आपको जितना इसको थिक रखना है आप उस हिसाब से इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ऐड करके इसकी ग्रेवी को मेंटेन कर सकते हैं। इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा ये फ़ौरन से थिक हो जाएगी। तो यहाँ ये देखें इसको माशाल्लाह बॉयल आ चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बेहतरीन हमारे चने जो हैं इस टाइम थिक भी हो गए हैं। अगर आप इसे मज़ीद गाढ़ा रखना चाहें तो आप एक ही जगह 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इसके अंदर 2 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। इससे इसके अंदर बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर आएगा, बहुत ही ये मज़े के तैयार होंगे। और इस टाइम पर मैं फ्लेम को लो करने लगी हूँ, इसको मिक्स कर देंगे और कवर करके मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाऊंगी लो फ्लेम पर। तो ये देखिए 2 मिनट गुजर चुके हैं, माशाल्लाह हमारे बेहतरीन चने रेडी हो गए हैं। और अब आप इनको गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको पूड़ियों के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। घी डालने से पूरियां बहुत खस्ता बनती हैं तो इसलिए ये जरूर डालिएगा।
और इसके अंदर हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 किलो मैदा। यहाँ पर मैंने 1/2 kg मैदा ले लिया है और अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसकी हमने एक नॉर्मल सी डो गूंद लेनी है। डो ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड। तो आप अगर इसकी क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप 1 किलो की पूड़ियां बनाना चाहते हैं तो आप इस क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा, तो आपकी बहुत ही बेहतरीन पूड़ियां बनकर तैयार हो जाएंगी। अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स करके अब गूंद लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम गूंदेंगे। इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक लगातार गूंदना है। जितना अच्छे तरीके से हम इसको गूंदेंगे उतनी जबरदस्त ये डो रेडी हो जाएगी। और इसको आपने इस तरीके से मसल मसल कर गूंदना है। इससे ये होता है कि इसके अंदर लचक पैदा होती है और पूड़ियां बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार होती है। आप इन पूड़ियों को गंदम के आटे से भी बना सकते हैं और फाइन आटा जो कि बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है उससे भी ये बनाई जा सकती है। तो ये देखिए मैंने इसको 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लिया। जो इसकी डो है ना इसके अंदर लचक होनी चाहिए। ये देखें ऐसे खींचे तो इसके अंदर ये लचक चेक करें। इस तरीके की इसकी डो रेडी होनी चाहिए। डो रेडी है हमारी और इसको हम ले आएंगे काउंटर शेल्फ पर। हल्का सा मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट कर रही हूँ और इसको हमने रोल करना है। इसको मैंने लंबाई में रोल कर लिया और अब हम इनके छोटे छोटे से पीसेस में इनको काट लेंगे। इनके पेड़े हमने काटने हैं बिल्कुल इक्वल साइजेस के। आप मेयरिंग स्केल पर भी इनको साइज कर सकते हैं। इनका मैक्सिमम जो साइज होता है वो 55 से 60 ग्राम के करीब होता है। और अब हमने इनको पेड़े की शेप दे देनी है और बिल्कुल छोटे साइज का हमने पेड़ा तैयार कर लेना है। इनके पेड़े बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, बिल्कुल स्मॉल साइज में इनके हमने पेड़े तैयार करने हैं, तभी हमारी जो पूड़ी है बेहतरीन बनकर तैयार होगी। और सभी सबका साइज आपने सेम एक जैसा रखना है। अगर आपके पेड़े बड़े होंगे तो पूड़ी बड़ी भी बनेगी साथ मोटी बनेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। इसको हमने सबसे पहले ऑयल से ग्रीस करना है। अच्छी तरह हमने नीचे ऑयल लगा देना है। आप घी भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसके अंदर ऑयल लगा रही हूँ। और अब हमने इन पेड़ों को बनाकर इसके अंदर रखते जाना है। नीचे ऑयल लगाने से ये होता है कि ये जो पेड़े हैं आपस में चिपकते नहीं हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो 1/2 किलो मैदे से हमने यहाँ पर 14 पेड़े तैयार कर लिए हैं। और अब हमने इसके ऊपर भी अच्छी तरह से ऑयल लगा देना है। ऊपर नीचे से जितना अच्छा इनको ऑयल लगा होगा उतनी ही हमारी बेहतरीन सॉफ्ट सी खस्ता सी फूली फूली पूड़ियाँ रेडी होंगी। आप देखते हैं भाई जो हलवाई बना रहे होते हैं उनका भी सेम यही मेथड होता है, लाजमी वो इसको ऑयल या घी लगा कर रखते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सभी को ऑयल लगा दिए अच्छी तरह से। अब हमने इसको कवर कर देना है और इसको हमने तकरीबन 1/2 घंटे का रेस्ट देना है। कम से कम 1/2 घंटा हो, अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इससे और भी ज्यादा अच्छी और ये खस्ता बनकर तैयार होंगी। यहाँ पर इनको रखे हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और अब हमने इनको पूड़ियों को रेडी करना है। एक एक करके हमने पेड़ा उठाते जाना है। और यहाँ पर ऑयल को मैंने रखा हुआ था 5 मिनट पहले हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए। और आप देख रहे हैं जो ऑयल है इसके ऊपर से धुआं उठ रहा है। बहुत अच्छी तरीके से ऑयल गर्म होगा तो तभी हमारी जो पूड़ियाँ हैं जबरदस्त फूली फूली बनकर तैयार होंगी। तो ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, अच्छे से ये गर्म होगा तो तभी आपकी बेहतरीन पूड़ियाँ तैयार होंगी। यहाँ पर जिस जगह पे हमने इन पूड़ियों को बनाना है उस जगह को हमने ऑयली कर लेना है। ये देखें अच्छी तरीके से हमने शेल्फ पे ऑयल लगा दिया है। अब ये पेड़ा इसके ऊपर रखेंगे और इसको हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। आप बेलन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेलन ले लिया है। बेलन को भी मैंने ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और अब हमने इसको बेल लेना है। बिल्कुल बराबर बराबर बेलेंगे, ये ना हो कहीं से मोटी तो कहीं से पतली, इस तरीके से इसको नहीं बेलना है। तो ये देखें ये इतने साइज की हमने बेल ली है। इसके सभी कॉर्नर्स को हमने अच्छे तरीके से बेल लिया है और अब हमने इसको उठाना है और गर्म गर्म ऑयल में इसको हमने डालते जाना है।
ऑयल में डालते साथ ही हमने स्पेचुला की मदद से पूड़ियों के ऊपर ऑयल इस तरीके से डालते जाना है इसकी सभी साइड्स पर। इससे ये होता है कि पूड़ियां बहुत ही जबरदस्त फूल जाती हैं और इनको हमने जस्ट 20 से 25 सेकंड के लिए फ्राई करना है, बल्कि इससे भी कम टाइम लगता है क्योंकि ऑयल जो है हमारा अच्छी तरह से गर्म है तो ये बहुत कम टाइम में फ्राई हो जाती है। जब आप इसको ज्यादा देर के लिए फ्राई करते हैं तो तब ये क्रिस्पी बनती है। और ये देखें हमारी बेहतरीन सी पूड़ी दोनों साइड से बेहतरीन फ्राई हो गई है और ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई है। हमने इसकी डो में जो घी डाला था उससे ये होता है कि पूड़ियाँ रबड़ की तरह नहीं बनती हैं, काफी देर तक वो सॉफ्ट रहती हैं, खस्ता रहती हैं। तो आपने जब भी पूड़ियों को फ्राई करना है तो उसके बाद आपने उसको किसी स्टैंड पे रख देना है ताकि जो उसका फूला फूलापन है वो बरकरार रहे। और ये देखें डालते साथ ही हमने जस्ट इसके ऊपर ऑयल डालना है और इसकी सभी साइड से बेहतरीन ही फूल जाएंगी पूड़ियाँ। इसी तरीके से हमने सारी जो पूड़ियाँ हैं उनको बनाकर तैयार कर लेना है। आपने ऑयल के टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है, अगर आप ठंडे ऑयल में पूड़ियाँ डालेंगे तो उससे जो है पूड़ियाँ एक तो ऑयल बहुत ज़्यादा जज्ब करती हैं, उसके अलावा ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाती हैं और जब आप इनको तोड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। इसलिए आपने हमेशा पूड़ियाँ जो हैं तेज़ गर्म ऑयल के अंदर ही फ्राई करनी है। तो यहाँ पर ये कुछ पेड़े बच गए थे तो आप इनको रख सकते हैं। आप रात के टाइम आटा गूंदे पेड़े बनाकर रख दें और मॉर्निंग टाइम में इनको फ्राई कर सकते हैं। गोल गोल सी खस्ता सी बेहतरीन सी आपको पूड़ियाँ मैं खिला रहा हूँ। आप ये समझना कि मैं आपको बाहर को 5-स्टार नाश्ता करा रहा हूँ, यही समझ के खा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया यार, बहुत मजेदार बनी है, बहुत जबरदस्त। और मैं तो वही हलवे के साथ खाऊंगा, रबड़ नहीं बन रही है। ये देखिए हलवा को देखें, हलवा भी कितना। इन पूड़ियों की खास बात यह है कि ये फ्राई होने के बाद भी बिल्कुल रबड़ की तरह नहीं है और ये देखिए कितनी खस्ता ये बनकर तैयार हुई है। ये चेक करें जरा, कितनी आराम से ये टूट भी रही है, बिल्कुल भी रबड़ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली रेसिपी के साथ। राग के साथ मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज़।